नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आइए, आज की वीडियो में हम लोग लाल किले से रोचक तथ्य व लाल किले के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे और लाल किले को बढ़िया से देखेंगे। यह लाल किला बलुआ पत्थर से बना शाही किला न सिर्फ मुगल बादशाहों का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि मुगल बादशाहों का 200 वर्षों तक यहाँ पर राज्य रहा था। शाहजहां ने इसे किले का निर्माण करने के लिए अपने सबसे जाने माने कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया था, जिन्होंने ताजमहल का भी निर्माण किया था। लाल किला का परिसर 250 एकड़ में फैला भव्य किला भारत की आज़ादी का एक जीता जागता गवाह है। यह लाल किला सौंदर्य का एक अनूठा उदाहरण भी है। आइए जानते हैं लाल किला, भारत का गौरव माने जाने वाले इस किले से रिलेटेड इतिहास। बाबर की 7 पीढ़ियों ने इस किले पर शासन किया था, जबकि शाहजहां मुगल बादशाह के 5वें पीढ़ी के शासक थे। शाहजहां ने 1628 ईस्वी में आगरा की गद्दी संभाली। अपने 11 साल आगरा में शासन करने के बाद 1649 ईस्वी में लाल किले की स्थापना की नींव रखी, जो कि दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था और इसे शाहजहानाबाद के नाम से बसाया। 1639 ईस्वी से लेकर 1648 ईस्वी तक यह किला निर्माणाधीन चला था। 9 वर्ष 6 माह के समय लगकर यह किला बनकर तैयार हुआ। इस किले में 4 गेट थे। पहला था दिल्ली गेट, दूसरा सलीम गेट, तीसरा था यमुना गेट और चौथा लाहौरी गेट। जिस गेट से आप एंट्री करेंगे वो है लाहौरी गेट, यानी ये जो देख रहे हैं ये लाहौरी गेट है। इंदौर गेट से ही नेहरू जी ने पहली बार 1947 में झंडा फहराकर आज़ादी का संदेश पूरे भारतवर्ष में दिया था। छत्ता चौक, जिसमें हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ये है छत्ता चौक, जिसे मीना बाजार और बाजार में कहा जाता है। इस बाजार में केवल महिलाओं का ही सामान बिकता था उस समय, और आज भी महिलाओं का ही सामान बिकता था, जिसमें खासकर ज्वेलरी इत्यादि थे, जो कि आज के समय में जितने भी आप घर से सौंदर्य प्रसाधन, घर के डेकोरेशन से रिलेटेड सब सामान यहाँ पे बिका करते थे, जिसे छत्ता चौक या छत्ता बाजार कहते थे। बीच में एक छत्ता नुमा रहता था, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसीलिए इसे छत्ता चौक यानी मीना बाजार कहते थे, जो खासकर मुगल महिलाओं के लिए, मुगल शासकों के लिए ये बाजार लगाया करता था, यानी शाहजहां ने इसे स्पेशल बनाया था। और ये जो है सबसे पहले लाहौर गेट से एंट्री करेंगे तो ही है, जैसे इस गेट से निकलेंगे तो आपका एक म्यूजियम पड़ता है, लेकिन म्यूजियम के सामने ही पड़ता है आपका नौबत खाना, यानी जिसे कहते हैं नक्कारा बाजार। यहाँ पे आप सबसे पहले छत्ता चौक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए, फिर आपका आता है नौबत खाना, जिसे सामने आप देख सकते हैं, इसे नक्कारा खाना या स्वागत कक्ष भी कहते हैं। ये 2 मंजिला था, यानी आज के दौर का जो है इसे गेस्ट रूम या रिसेप्शन भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग नक्कारा यानी नक्कार खाना को, जिसे स्वागत कक्ष कहते हैं। तो इसके अंदर जो है संडे के दिन, यानी शाहजहां का जन्म संडे के दिन हुआ था, यानी रविवार को, तो रविवार को खास कर इसे नक्कारा इसमें बजाया जाता है। तो चलिए इसकी थोड़ा सा जुबा को सुनते हैं। यहाँ पे बना है टिम्बर। हाँ यार, सुनाई दे रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे तरंगे ऊपर आ रहा है, ऊपर से ऐसे, मतलब वहाँ से बोलो देन यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि नकारा घर। फिर से बोलो देन। हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बोलो। सूरज खतरनाक सुनाई दे रहा था। नकारे घर में प्रत्येक रविवार को नकारा बजा कर सेलिब्रेट किया जाता था, और यहीं से अलाउंस किया जाता था, जैसे होशियार इत्यादि। और सामने जैसे निकलेंगे तो आपका सबसे पहले पड़ेगा दीवाने आम। तो दीवाने आम वर्तमान समय का इसे सुप्रीम कोर्ट भी आप कह सकते हैं, जहाँ पर बादशाह अपनी जनता का न्याय करता था, यानी सबको सजा देता था या फिर सजा सुनता था। तो यहाँ पे है दीवाने आम। तो चलिए दीवान के आम के अंदर देखते हैं। दीवान आम के अंदर जो है
मतलब एक सिंहासन था जिसपे शाहजहां बैठते थे, और सिंहासन के चारी ओर जैसे आप सामने देख सकते हैं, ये सिंहासन पहले भी जैसा था वैसे भी आज भी है, और सिंहासन के चारों ओर यहाँ पे देखिए चार कोने थे। शाहजहां के चार पुत्र थे दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब। शाहजहां मार्बल के ताज पर बैठा था तथा नीचे जो चौक बना था वहाँ पे उसके वजीर विराजमान यानी बैठते थे, जो आगे चौक बना है। तो यहाँ पे चारों कोने पे इसके चारों पुत्र और ऊपर सिंहासन पे शाहजहां, देन नीचे जो इसके वजीर रहते थे वो बैठते थे, और यहीं से सुनवाई की जाती थी आपके यहाँ पे जो है, खासकर इसी दीवाने आम में। तो इसे वर्तमान समय का आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, यानी न्याय वाला महल कह सकते हैं इसे। जैसे ही आप इस महल के सामने देखेंगे तो वहाँ पे जनता बैठती थी, एक और जनाना और एक और मर्दाना। फिर आप जैसे यहाँ से निकलेंगे तो सामने आपको दिखाई पड़ेगा जैसे दीवाने खास कहते हैं, रंग महल, रंग महल। सामने जो देख रहे हैं उसे रंग महल कहते हैं, बीच वाला जो है इसे खास महल कहते हैं, और इसके बाद ही स्टार्ट होता है दीवाने खास, जिसे दीवाने खास को आप कह सकते हैं इस समय का पार्लियामेंट, यानी जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री बैठ कर, राजा मंत्री यानी उस समय के जो है मुगल शासक शाहजहां बैठकर अपने मंत्रियों से हर एक मुद्दे पे निर्णय लेता था, यानी जो भी निर्णय होता था इसी खास महल के सामने ही ये लेता था, और इसी में विराजमान था। चलकर आगे दिखाता हूँ मैं, यही है आपका दीवाने खास, जिसमें पर्सनली अपने शाहजहां ने अपने लिए बनवाया था, और इसे वर्तमान समय का आप इसे पार्लियामेंट कह सकते हैं। तो इसमें खासियत थी कि यहाँ पर जितने भी दीवारें थे सब पे सोने इस हरफिया दड़ी हुई थी, जो कि वर्तमान समय में अंग्रेज़ों ने 1857 क्रांति के बाद इसे सब चीज़ें जो है निकाल लिया था, और यहीं पर विराजमान था तख्त एहत हाउस यानी मयूर सिंहासन, जो इस शाहजहां ने जो इस किले का निर्माण करवाया था, तो उस समय इस किले के निर्माण में समथिंग 1 करोड़ रुपए लगा था पूरे किले को बनाने में, लेकिन 9 गुना यानी 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा मयूर सिंहासन को बनाने में लगा था, और वही मयूर सिंहासन आपका इस दीवाने खास में विराजमान था, जिसपे शाहजहां बैठकर मंत्रियों से मंत्रिमंडल के लिए शासन करता था। और जैसे दीवाने आम के बगल में देखेंगे तो आपका हमाम है, हमाम में 3 बड़े हौद बने थे, जिसमें एक में आपका गुलाब जल घुला था, एक में आपका गर्म पानी और एक में ठंडा, जो कि बादशाह इसमें स्नान करते थे, यानी शाही स्नान घर इसे आप आज के समय में इसे बोल सकते हैं। यानी लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफर इसी दरवाजे से अपनी जान बचाकर जमुना गेट से यहाँ से भागा था, और यहीं से जो है आपके बादशाह शाहजहां ने प्रथम बार एंट्री किया था। तो ये है आपका रंग महल। रंग महल को अंग्रेज़ों ने कब्जा करके इसका इतना दयनीय स्थिति कर दिया था, इससे अपना किचन रूम बना देते थे, और लकड़ी और चूल्हे जलने की वजह से जो है ये काले पड़ गए हैं। और रंग महल की भी छतें दीवारें तब पे जो है सोने असरफिया हीरे जवाहरात सब पे जड़े थे। इसी रंग महल के नीचे से बेसमेंट से जमुना गेट आपका पड़ता है, और जमुना गेट से ही बहादुर शाह जफर फरार हुए थे, और उनको बाद में अंग्रेज़ों ने पकड़कर रंगून भेजा था, और 1862 ईस्वी में रंगून में ही इनकी डेथ हो गई थी। नीचे बेसमेंट है, और यहीं से आप नीचे जाएंगे तो अंडरग्राउंड होते हुए जमुना गेट से आप बाहर निकल जाएंगे, तो यहीं से क्या था। और रंग महल की खासियत थी कि इसमें मतलब इतने ज़्यादा शीशे लगाए गए थे कि एक ही बल्ब जलाने से यानी एक ही दिए जलाने से इसमें खास तरह का रोशनी फैलती थी। इसके बाद स्टार्ट होता है मुमताज़ महल। मुमताज़ महल खासकर मुमताज़ बेगम के लिए बनाया गया था, और इसमें जितने भी बेगम थी वही निवास करती थी। मुमताज़ महल को जो है 1857 के बाद जेल के रूप में अंग्रेज़ों ने इसे परिवर्तित कर दिया था। फिर स्टार्ट होता है नहर ए बहिश्त। नहर ए बहिश्त जो होता है खासकर इसे शाहजहां ने ऐसा डिज़ाइन करवाया था कि पूरे महल में इससे पानी होकर गुजरता था, और गर्मी के दिनों में इस नहर के कारण ही पूरा महल ठंडा पड़ता था, और जितने भी फाउंटेन लगे थे उससे जो है इसकी अलग ही शोभा बढ़ती थी। यहाँ पे जितने भी फाउंटेन लगे हैं सामने आपका जो है रंग महल, सभी के अंदर से जो है बेसमेंट से होते हुए पानी गुजरता था। मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने 1659 ईस्वी में करवाया था, और ये जो है मोती मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने अपने मजदूरी से करवाया था, यानी वो टोपी बुनता था और उसी को बेचकर 1,60,000 रुपये में इस मोती मस्जिद का
निर्माण पूरी तरीके से मार्बल से करवाया था, जहाँ पे मुगल बादशाह लोग यहाँ पे ही नमाज अदा करते थे। जैसे ही मोती मस्जिद के आप सामने जाएंगे तो आपको मिलेगा सावन भादो मंडप, जहाँ पे बैठकर मतलब यहाँ पे नहर बहिश्त के फव्वारे द्वारा लगाया हुआ सावन भादो का मज़ा पूरे महीनों यानी 12 महीने शाहजहाँ यहाँ से बैठकर सावन भादो का आनंद उठाता था। जैसे बीच के सामने आपका भादो मंडप है, लेकिन बहादुर शाह जफर ने जफर महल बनवाया था अपने शासन काल में इस नदी के बीच में। पहले इस पे एक ब्रिज रहता था, बाद में इसे अंग्रेजों ने अपना बैरक बनाकर और पुल को तोड़कर इसका काम आप नौकायान में अंग्रेज लेने लगे थे। और जफर महल 1842 ईस्वी में जफर ने निर्माण करवाया था। वो शांति प्रिय था यानी एकांत ढूंढता था और किताबें लिखता था बहुत सारी पोएम, तो यहीं पे बैठ के अपने ही महल में लिखा करता था। वो बहुत सारी कविताएं का शौकीन था, तो यहाँ से ही वो कविताएं लिखा करता था। यानी यह जफर महल, जफर महल के जस्ट सामने जाएंगे आप तो है भादो मंडप यानी सावन और भादो मंडप। तो भादो मंडप से आप कुछ लुप्त उठा सकते हैं, ये है भादो मंडप और ये भी सेम है सावन भादो जैसे दोनों मंडप। तो इतना ही शेष अवशेष बचा है अभी लाल किले में। फिर जो है जितने भी और सब थे तो अंग्रेज़ों ने इसे तोड़वा कर अपना बैरक यानी सैनिकों के रहने के रूप में बनवा दिया था, जिससे अब म्यूजियम बना दिया गया। तो म्यूजियम जो है आप लोग नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग म्यूजियम को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि जितने भी बैरक थे सबको म्यूजियम बना दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।